वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम फ्यूचर फेस्ट में आए हैं और आज उसका डे 3 है। तो लास्ट सीरीज में हम आपके लिए मुख्तलिफ स्टार्टअप लाए थे यूनिक, जो आपको जो करंट सिनेरियो चल रहे हैं एआई के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से या क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, उसमें डील कर रहे थे। तो इसी तरह आज एक क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक स्टार्टअप, एक कंपनी मेरे साथ है। तो जैसे कि आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में काफ़ी इमर्जिंग है और एक डिजिटल वे है जिसमें आप ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसमें एक डिबेट ये होती है कि वो आया हलाल है या हराम। इसी हवाले से एक फ्यूचर फेस्ट में मुझे सहाल वॉलेट के नाम से एक स्टार्टअप मिला है, जो एक क्लेम करते हैं कि इनके पास जो ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो करेंसी की, वो हलाल होती है। तो आइए जानते हैं अपने अहमद भाई के साथ कि अहमद भाई, ये बताएं कि ये हलाल और हराम क्रिप्टो करेंसी का जो कंसेप्ट है ये क्या है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जो हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है क्योंकि काफ़ी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर जो एल्गोरिथमिक सिस्टम्स है या जो कोड है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं उसके ऊपर रिबा है, या वो बनाए गए हैं हराम इंडस्ट्रीज के लिए, जिस तरह हो गई एंटरटेनमेंट, वेपनरी, अल्कोहल। तो इसलिए वो कोई कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो नॉन हलाल होते हैं। तो दो साल पहले मैंने और काफ़ी भाइयों ने जो मुसलमान हैं दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, हमने बात की कि यार हमें एक अपना कुछ बनाना चाहिए जिसके लिए, जो हमारे लिए आसानी करेगा कि जानने के लिए क्या हलाल है क्या नहीं हलाल है। तो तब हमने उलमा पकड़े, हमने टीम पकड़ी और हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है सहाल वॉलेट। उसके ऊपर फिल्टर्ड होके सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो शरीयत कंप्लाइंट हैं, जो इस्लामिकली अलाउड हैं, वो हम सिर्फ लिस्ट करते हैं। आप उनको ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल, प्रॉफिट कमा सकते हैं और उनका कोई इशू नहीं होगा। जो उनका क्राइटेरिया है वो बड़ा एक हमने एक्सटेंसिव क्राइटेरिया बनाया है, जिस तरह आपको पता है स्टॉक्स में IOF का क्राइटेरिया है या डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट इस्लामिक क्राइटेरिया, हमने भी इस्टेब्लिश किया एक नया क्राइटेरिया रेगुलेटेड बाई दिस अदर क्राइटेरियाज। अल्हम्दुलिल्लाह वो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, MRHB.network। वो उसके ऊपर एक ग्रीन पेपर के नाम से एक डॉक्यूमेंट है, वो अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, 20 पेज का है। तो आपके ऊपर अगर आप पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, बेसिकली जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान में जो इस्लामिक फाइनेंस है उससे आप इंस्पायर हुए हैं कि इस्लामिक फाइनेंस है, उसके बाद आप जो क्रिप्टो है उसको रेगुलेट करेंगे अंडर द हलाल बैनर। वहाँ पे पाकिस्तान में रेगुलेशन का अभी वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ऑब्वियसली कनेक्शन में हैं यहाँ पे जो डिसीजन मेकर्स हैं फ्रॉम अ शरिया परस्पेक्टिव, बट अब देखते हैं वो क्या होता है। क्या अच्छा, ये आपके जो शरिया बोर्ड है जिसके साथ आपने ये कोलेबोरेशन करके एक प्रॉपर एक आपने टर्म्स एंड कंडीशन बनाई, एक प्रोसीजर बनाया जिसके तहत आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो आपके पास आ रही है हलाल है या हराम है, तो उसमें जो प्रोमिनेंट पाकिस्तान के उलमा है वो कौन कौन से हैं? अच्छा, तो एक है डॉक्टर फरूक कबीब जो थे हमारी टीम में, एक है मुफ्ती बिलाल उमर जी। डॉक्टर फरूक कबीब इनिशियली दुबई से हैं और मुफ्ती बिलाल उमर जी हैं UK के, लेकिन ये लोग इतना इस इंडस्ट्री में वेल नोन है, अगर आप इनके नाम सर्च करेंगे ये लोग क्रिप्टो में, ब्लॉकचेन में काफ़ी बड़े एडवाइजर्स हैं और कोई हद तक इनकी यामीन पाकिस्तान तक भी रीच है। अच्छा, एक मैंने आपके प्लेटफॉर्म का ये भी देखा था कि आपके क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप लोकल शॉपिंग जो है, बाइंग सेलिंग वगैरह, हाँ, वो भी कर सकते हो, इसका क्या होता है? जी इस तरह ही है। तो इस तरह ये प्रॉब्लम थी पहले कि यार मैंने क्रिप्टो में हलाल कमा लिया है, हलाल कमा, फिर आपने हमने आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हलाल पैसिव इनकम भी कमा लिया है, हमने सोना भी खरीद लिया, ये सारा हमारा है। फिर वो कहते थे कि यार हम इसको इस्तेमाल किस तरह करें, वो मैं आपको दिखा रहा था। इस तरह हमारे ऐप में एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है एम्पावर। एम्पावर उसके थ्रू आप आप पाकिस्तान में टॉप अप भी कर सकते हैं, जोंग, जैज, मोबली, जो भी है, बड़े सारे जो टॉप अप भी कर सकते हैं। आपका प्लेटफॉर्म एक तो आइडेंटिफाई भी करके दे रहा है, हाँ, और आपके यूजर को इतनी कन्वीनियंस भी दे रहा है कि वो लोकल पाकिस्तानी मार्केट में या कहीं भी उस क्रिप्टो करेंसी को यूज करते हुए बाइंग एंड सेलिंग कर सके। यानी आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप लोकल मार्केट में भी कर सकते हैं, जबकि पहले मुश्किल था कि यार कैसे वॉलेट में आएंगे, क्या मामला था। अच्छा, अब देखिए मैं कल आया हूँ सोतिया से और मैं जोंग की सिम थी लेकिन उसमें कोई बंडल नहीं था। अच्छा, तो मैंने लिटरली ये देखिए, मैंने कल ये खरीदा जोंग से 2000 रुपए का टॉप अप और फिर मैंने उससे बंडल ले लिया, वो भी क्रिप्टो करेंसी से खरीदा, वो भी मैंने सीधा क्रिप्टो से खरीदा, USDT से 7.7 USDT मैंने डाला, उससे मुझे 2000 रुपए आए मेरे जोंग के ऐप में, मैंने सब्सक्राइब दबाया। अच्छा, ये बताएं कि आप, जैसे कि आपने बताया आप कैनेडियन पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान में जो एक बड़ा ज़बरदस्त आपका एक इनिशिएटिव है, तो इस हवाले से आपके एम्बिशंस क्या हैं? मतलब कि पाकिस्तान में आपको कहते हैं, ये समझते हैं कि जब आप यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं तो कितने रिजल्ट्स आएंगे, क्या हर्डल्स आ सकती हैं, इस हवाले से बताएं। हाँ, तो हमने जब ये लॉन्च किया है हमारा ऑलरेडी 300,000 डाउनलोड्स है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें से 80,000 पाकिस्तान में है। अच्छा, और दुनिया के अंदर टॉप 10 मुल्कों में जो क्रिप्टो में इन्वॉल्व है पाकिस्तान आई थिंक नंबर 5, 6, 7 आता है। तो मतलब कि यहाँ पे इतना डिमांड है, बट हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे एजुकेशन इस इंडस्ट्री में कम है,
सो इंशाल्लाह हमारा गोल है कि ऑब्वियसली हम ग्रो भी करते जाएं और डाउनलोड्स भी आते रहें और इस तरह हम लोग एजुकेट भी करते जाएं लोगों को कि वो इससे एक तो पैसा भी कमा लें लेकिन साथ साथ अंडरस्टैंड करें कि फ्यूचर ऑफ फाइनेंस क्या है। देखो वेब 2.0 फाइनेंस आ गया है, अब 3.0 फाइनेंस आ रहा है और बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर हमने फोरफ्रंट में होना है दुनिया के तो हमें इन चीज़ों का इल्म होना। तो इंशाल्लाह हमारा गोल है कि हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू भी और जिस तरह मैं आपको बताया था कि कोई भी हो हमें हमारा नहीं है, हमारा कि बस एजुकेट हो। वो दूसरे भाई जिनके यूट्यूब पे चैनल है मुझे नाम नहीं पता उनका क्या है, उनका भी कोर्स है उर्दू में 20 घंटे का, लो करो सीखो। मेन तो आई थिंक ये हर्डल यही आती है, क्रिप्टो करेंसी तो आ गया पाकिस्तान में लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि यार क्रिप्टो करेंसी हमने क्या करना है उसको, और जब वो सीखने जाते हैं मार्केट में उनके साथ भी स्कैम हो जाते हैं। उनके साथ भी मसले मसाले हो जाते हैं लेकिन आप साथ साथ एजुकेशनल कॉन्टेंट भी दे रहे हैं अपने यूजर्स को और साथ उनको जितनी हो सकती है उतनी कन्वीनियंस भी दे रहे हैं वहाँ पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपका एक बड़ा अच्छा टॉपिक था हलाल क्रिप्टो करेंसी के बारे में और आई थिंक जो व्यूवर्स हैं हमारे उनको भी एक मज़ा आया होगा इस कन्वर्सेशन से कि क्रिप्टो करेंसी एक तो बड़ी कम्प्लेक्स चीज़ थी लेकिन जिसको आपने आसान और एक शरिया के मुताबिक बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।